इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगल से आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें बीती बुधवार रात को ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। तो वहीं आपको बता दें सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के जवान जो हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, जहां पर ये पूरा आईईडी ब्लास्ट हुआ। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसी हफ्ते बीजापुर से 7 नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से कुछ 3 लाख रुपए के इनामी थे। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो वहीं 4 जवान ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगल से आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें बीती बुधवार रात को ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। तो वहीं आपको बता दें सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के जवान जो हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, जहां पर ये पूरा आईईडी ब्लास्ट हुआ। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसी हफ्ते बीजापुर से 7 नक्सली जो वो गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से कुछ 3 लाख रुपए के इनामी थे। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो वहीं 4 जवान ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।